तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है। आज का अपना प्यार नहीं है, आज का अपना प्यार नहीं है। जन्मों का ये नाता है। तो नमस्ते मेरे भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में कहना चाहता हूँ, आज खुलेगा इंग्लिश पिटारा और मैं हूँ इतिहास और आपका स्वागत स्वैग से करते हैं। चलिए देखिए, आज बहुत खास चीज है प्रीपोजिशन में। देखिए अभी तक आपने इनका यूज, ऑन का, एट का, सबका यूज आपने देखा है, ठीक है। और आज क्या देखेंगे, कुछ ऐसे वर्ब है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जिसमें फिक्स होता है कि इसमें ये लगेगा प्रीपोजिशन, इसमें ये लगेगा, ठीक है। और किसी में क्या होता है कि डबल लगता है और कौन कहां लगेगा वो सीखना है आपको। इस एग्जांपल देखिए, एक वर्ड है लिसन। लिसन मींस क्या होता है, सुनना। तो लिसन टू मी होता है कि लिसन ऑफ मी होता है। तो ये बात सबको मालूम है कि लिसन टू मी होता है क्योंकि आप रटे हुए हैं, मालूम है पहले से। अच्छा, अकॉर्डिंग ऑफ मी की अकॉर्डिंग टू मी, तो आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू मी, है ना। तो टू लगा है, ऑफ नहीं हो सकता है क्या, इन नहीं हो सकता है क्या। तो यहां पर देखा जाए कहां पर क्या लगेगा, आज वही सीखना है, ठीक है। तो समझ गए कि आज क्लास क्या आप लोगों का। तो देखा जाए, एक वर्ड है एंग्री। एंग्री का मतलब क्या होता है, गुस्सा, नहीं नाराज। तो एंग्री वर्ड में विथ भी लगता है और एट भी लगता है। एंग्री वर्ड में आपका विथ भी आएगा और एट भी आएगा। तो क्वेश्चन है कि कहां पर विथ लगेगा और कहां पर एट लगेगा। तो देखा जाए, जब सामने वाला कोई पर्सन हो तो वहां पर क्या लगेगा, विथ लगेगा। और जब सामने कोई कॉज का बात करेगा, कॉज कारण का बात करेगा, तो उसके पहले एट लगेगा। तो हम लोग देख लेंगे कि पर्सन है कि कॉज है ना, उस हिसाब से एंग्री विथ या एंग्री एट लगा सकते हैं। एग्जांपल देखा जाए, हाँ, ही बिकेम एंग्री। अब हिज बिहेवियर, तो हिज बिहेवियर कोई उसका बर्ताव जो है, तो वो आदमी बर्ताव करना, बिहेव करना, ये आदमी थोड़ी है, उसका हैबिट है वो उसका, नहीं। तो यहां पर ये पर्सन का बात नहीं कर रहा है, तो यहां पर क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, क्लियर। और ही बिकेम एंग्री डैश देम, वे उन लोगों से क्या है, गुस्सा है। तो उन लोगों से कोई पर्सन ही ना होगा, और पर्सन में क्या लगाना है, विथ लगाना है, तो यहां पर विथ लगेगा। अब यहां पर यू हो, मोहन हो, सोहन हो, हिम हो, हर हो, कुछ भी रहेगा, पर्सन रहेगा, और पर्सन में क्या लगाना है, विथ लगाना है, क्लियर। अब क्वेश्चन कैसे लिखेगा बना सकते हैं, आगे देखा जाए। अगला वर्ड है डील। ये वर्ड बहुत फेमस है, आप बोलते हैं बात बात में कि मैटर डील कर दिए, नहीं आज इसको आप डील करके बताइए। तो डील में इन भी लगता है और विथ भी लगता है। डील में इन भी लगेगा, डील इन भी सही है और डील विथ भी सही है, लेकिन आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन कहां लगेगा, विथ कहां लगेगा, वो बनाना होगा। तो देखा जाए कंसेप्ट क्या है, जब बिजनेस का बात करेगा, व्यापार का बात करेगा, ट्रेड का बात करेगा, तो वहां पर इन लगाना है। आप ऐसे समझिए ना कि जब डील में जब इन लगता है, इसका मीनिंग क्या होता है, व्यापार करना, बिजनेस करना, ट्रेड का बात करेगा, ठीक है। और जब डील में जब विथ लगता है, तो वो बर्ताव, व्यवहार कैसा उसका बर्ताव है, नहीं उसका बात करता है। तो देख लेंगे, जब बिहेवियर रहेगा तो विथ लगाएंगे, और जब बिजनेस का बात करेगा तो इन लगाएंगे। तो एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल, ही डील्स, वो रहा है, ही डील्स डैश मोबाइल फोन। आप बताइए, मोबाइल फोन से कोई बर्ताव करेगा, बिहेव करेगा, नहीं ना उसका बिजनेस करेगा, नहीं। तो जब बिजनेस करेगा मोबाइल फोन्स का, तो बिजनेस के लिए क्या लगता है, इन लगता है। तो क्या होगा, ही डील्स इन। कोई दिक्कत है क्या, आ रहा है समझ में, आगे देखा जाए। आई डील डैश राइस, क्या होगा, इन की विथ, हाँ चावल का कोई व्यापार करेगा, बिजनेस करेगा, तो आई डील इन राइस, कोई दिक्कत है क्या। आगे देखा जाए, ही डील्स वेल, मतलब उन्होंने बर्ताव अच्छा किया, तो हिम उसके साथ, तो बर्ताव का बात करेगा, बिहेवियर का बात करेगा, तो क्या लगा देंगे, विथ, कोई दिक्कत है क्या। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे देखा जाए।
फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूं वही जोश और वही जज्बे के साथ। तो अब आगे देखा जाए, एक वर्ड है ब्लाइंड, एक वर्ड है ब्लाइंड। ब्लाइंड मींस क्या होता है? अंधा। ठीक है, तो ब्लाइंड में टू भी लगेगा और ब्लाइंड में इन भी लगेगा। ठीक है, एक बच्चा क्या बोलता है, सर ब्लाइंड में इतना टेंशन क्या लेना है, ब्लाइंड जो रहेगा उसमें चश्मा लगा देंगे, ऐसी भी बात नहीं। देखा जाए ब्लाइंड में टू भी है और इन भी है, तो टू कब लगेगा और इन कब लगेगा? देखा जाए टू लगेगा जब इग्नोर रहेगा, कुछ चीज को इग्नोर करेगा, है ना, इग्नोर करेगा। ठीक है, तो वहां पर ब्लाइंड में टू लगाएंगे और ब्लाइंड में इन कब लगेगा? जब फिजिकल ब्लाइंडनेस हो, जब रियल में कोई आंख से अंधा हो। ठीक है, तो वहां पर इन लगाएंगे। एक मिनट अभी क्लियर कर देते हैं। जैसे देखिए मैं खड़ा हूं यहां पर, ठीक है, कोई बच्चा आया मेरे पैर पे, है ना, पैर रख लिया, तो हम क्या कहते हैं, अंधा है क्या, नहीं दिख रहा है क्या, तो क्या वो रियल में अंधा है? नहीं, वो अनजान है। ठीक है, तो वहां पर क्या लाएंगे? टू। ठीक है, इग्नोर कर दिया, ठीक है जाओ जाओ, नहीं तो वहां इग्नोर करेंगे, तो वहां पर टू लगाएंगे। अब कोई रियल में अंधा है, आपसे रियल में अंधा है, ठीक है, तो वहां पर क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। अब क्लियर? अब तो क्लियर है। तो एग्जाम्पल लिखा जाए, हिज पेरेंट्स आर ब्लाइंड, हिज पेरेंट्स आर ब्लाइंड डैश देयर चिल्ड्रंस फॉल्ट। जो आज के जो माता पिता है वो अपने बच्चों के गलती से क्या होते हैं, अंधे होते हैं, नहीं अनजान होते हैं, अंधा थोड़ी है, मतलब अनजान है, इग्नोर कर देते हैं, नहीं तो वहां पर क्या लगेगा बोलिए, रियल में अंधा थोड़ी है, तो यहां पर क्या लगेगा? टू, यहां पर टू लगेगा। लेकिन अब बताया जाए, ही इज ब्लाइंड, वो अंधा है, वन आई, एक आंख से अंधा है, फिजिकल ब्लाइंडनेस है, नहीं तो यहां पर क्या लग जाएगा? इन। कोई दिक्कत है क्या? आ रहा है समझ में ना? तो आगे लिखा जाए, एक वर्ड है डाई, डाई मींस क्या होता है? मरना। तो मरना है तो ठीक है, लेकिन मरने के बाद भी इतना प्रॉब्लम है, कहीं ऑफ लगेगा, कहीं फॉर्म लगेगा, देखा जाए। तो ऑफ कहां लगेगा? कोई अगर बीमारी से मर रहा है, डिजीज से मर रहा है, बीमारी है ना, तो वहां पर क्या लगेगा? ऑफ। जैसे कि कोई कोरोना से मर गया, तो बीमारी क्या था? कोरोना था उसको, ठीक है, और फॉर्म कहां लगेगा? जहां कॉज का बात करेगा, ऐसे कोई कारण है, जैसे कोई ज्यादा पी लिया मर गया, तो पीना बीमारी थोड़ी है, फीवर से कोई मर गया तो फीवर कोई बीमारी थोड़ी है, बास में रहे ना, तो वहां पर क्या लगाएंगे? फ्रॉम। और जब बीमारी से कोई मरेगा तो क्या लगाएंगे? ऑफ। क्लियर है? एग्जाम्पल देखा जाए, ही डाइड डैश कैंसर, कैंसर कॉज नहीं है, बीमारी होता है, बीमारी है, तो क्या लगेगा इसमें बोलिए? ऑफ। फीवर क्या होता है? ये अपना कोई कॉज होता है कि बहुत फीवर था उसके बाद मर गया, लेकिन बीमारी नहीं था फीवर, ठीक है, तो यहां क्या लगाएंगे? फ्रॉम। चलिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में जवाब देंगे, और जितना शेयर कर सकते हैं वीडियो को उतना शेयर करेंगे, ठीक है, ताकि हमको भी लगे कितना मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमको मिल रहा है। ठीक है, जय हो, जय हिंद।